धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत बगली के वार्ड नंबर 4 के गांव गगली में बेसहारा पशुओं ने आतंक फैला रखा है। बेसहारा पशुओं ने किसानों की फसलों को उजाड़ कर रख दिया है। ग्रामीण खुद ही इन आवारा पशुओं को पिछले 4-5 दिन से पकड़ कर रखे हैं। उधर बगली पंचायत के पंचायत प्रतिनिधियों और ग्रामीणों का कहना है कि पशुपालन विभाग के उपनिदेशक से भी गुहार लगाई गई थी कि इन आवारा पशुओं को किसी गौसदन में छोड़ने की इजाजत दी जाए, लेकिन पशुपालन विभाग की तरफ से भी अभी तक कोई सहायता नहीं मिली। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन इन आवारा पशुओं को छोड़ने का गाड़ी का भाड़ा भी खुद देने की बात कही है। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार मैं भाई। आपका नाम क्या? रविराज। बताइए क्या समस्या है यहाँ? आवारा जानवरों की समस्या सारी। बताइए पूरी समस्या बताइए आप। आवारा जानवर जो हमारी सारी सब्जियाँ खेती सब कुछ मतलब तबाह कर रहे हैं, और हमने 7-8 दिन पहले पकड़े हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री को बोला था, उन्होंने 2 दिन का टाइम मांगा था। 2 दिन का टाइम देते थे, अब 6 दिन हो गए, मतलब कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि हम किराया देने को तैयार हैं, डिप्टी डायरेक्टर हमें परमिशन दे, ये जानवर कहाँ भेजने हैं हमने, उस गौशाला का नाम बता दें, हम वहाँ छोड़ने को तैयार हैं। नमस्कार, वहाँ नाम क्या जी? संध्या देवी। क्या समस्या है तुम्हारी? हाँ, समस्या ये भी हमारा सारा खेत होगा झाड़ दिया है इन्होंने, और पशु भी पकड़ने और कुछ ही साझे 10 दिन जगह पे तो वहाँ छड़ी होंगी। कितनी खेती उजाड़ी थी? खेती है तो पूछा ही मत, जड़ी सारी उजाड़ी दी ना खेती सारी, नुकसान बड़ा भारी करी दिता। कने हाँ सोचा देखो कुछ ना कुछ जगह दसा मांजो ते तो वहाँ छड़ी के होन बे। नाम पूनम है, मैं चातरी गांव की रहने वाली हूँ। यहाँ पे यहाँ की समस्या है सारी, एक बैलों की समस्या है, इतना तंग फैला हुआ है उन्हें कि कोई चीज़ नहीं होने दे रही है, ना खेती ना सब्जी ना कुछ नहीं होने दे रही है। ये हमें बहुत परेशानी है बैलों से, हमें से यही अनुरोध है कि कहीं सुरक्षित स्थान पर रखा जाए ताकि ना भी कोई कष्ट ना हो, हमें भी कोई कष्ट ना हो। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए गग्गल से विमुक्त शर्मा की रिपोर्ट।